शुगर, 1 कप वाटर, इसको बॉईल करेंगे। अब मैं इसमें 1/2 कप खोया डाल रही हूँ। अगर आप कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे तो वाटर इसमें जो ऐड करेंगे वो कम होगा। वाटर का मेज़रमेंट आपका 1/2 हो जाएगा। 1 कप की जगह हम 1/2 कप पानी यूज़ करेंगे। ये एक्चुअली ड्राई है खोया, इसलिए इसको मेल्ट करने के लिए हमने पानी ज़्यादा लिया है, लेकिन कंडेंस मिल्क वाला भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप कंडेंस मिल्क यूज़ करते हैं तो आपको उसमें पानी कम डालना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड होता है। मैंने जितना खोआ डाला था उसमें, उससे ये गाढ़ा नहीं हो पा रहा था, तो मैंने उतना ही फिर से डाला है इसमें खोआ, ताकि ये थोड़ा सा कंडेंस मिल्क का लुक में आ पाए। तो आप इसको भी दुगना आप कर लीजिएगा, जो क्वांटिटी मैंने बताई है उससे दुगना आप डाल लीजिएगा, तभी ये ज़्यादा अच्छा और बाइंड हो पाएगा और ज़्यादा टेस्टी लग पाएगा। क्योंकि खोए की क्वालिटी कई बार अलग होती है, कुछ बहुत प्योर होता है तो 1/2 कप में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाया तो मैंने और डाला, और ये अब इस कंसिस्टेंसी में आ गया है जहाँ पर मैं अब कोकोनट पाउडर ऐड करूँगी। तो अब मैं इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करने वाली हूँ। अब मैं इसमें 250 ग्राम कोकोनट पाउडर ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर देंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें, ये ऑप्शनल है कि आप अगर डालना चाहें तो कार्डिमम पाउडर, ग्रीन कार्डिमम पाउडर ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन कार्डिमम पाउडर। इसमें एनी सीड पाउडर भी अच्छा लगता है, जो खाने वाला सॉफ्ट होता है उसका पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है और हेल्थ के लिए भी सही है। कि अगर आप इतना हाई कैलोरी अगर कोई भी स्वीट्स खा रहे हैं तो वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, तो भी आप कर सकते हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि ये टाइट हो गया है। अगर मैं इसमें अभी और थोड़ा बनाऊँगी तो अब ये फिर ये सेट नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं अब सेट करूँगी किसी डिब्बे में लेके। ये मोल्ड के लिए मैंने एक बॉक्स लिया, ये लंच बॉक्स है। आप चाहे तो जो भी मिठाई का डब्बा आता है आपके घर में वो ले सकते हैं, या फिर कोई प्लेट ले सकते हैं, लेकिन अगर वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होता तो ज़्यादा बेटर होता है हमारे लिए, कि मिठाई का कोई भी पीस बर्बाद नहीं होता और काफ़ी प्रेजेंटेबल आता है। तो इसलिए मैंने ये लंच बॉक्स है, ये लंच बॉक्स लिया है। और आप बहुत सारा पेठा का डब्बा या लड्डू का डब्बा आता है वो भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं पहले घी लगाऊंगी। घी अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि जब मिठाई निकाले तो अच्छे से निकल पाए। अगर आपके पास केक टिन है तो वो भी बेटर होता है, उसमें भी आप कर सकते हो। अब मैंने ये जो नारियल की मिठाई फ्राई की है उसको उसको प्लेस कर देंगे, दबाकर डालते जाएंगे। इसको गर्म में ही सेट किया जा सकता है। किसी भी स्पून से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये बहुत बढ़िया से सेट हो पाए। जब हम इसमें सिल्वर फॉइल ऊपर से लगाएंगे तो उससे पहले हम इसको बहुत अच्छे से सेट कर देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इस ये निकल जाएगा, बहुत इजीली निकल जाएगा अगर हम इसको फ्रिज में बहुत अच्छी तरह से फ्रीज कर दें 10-20 मिनट्स, तो बहुत अच्छे से ये निकल जाता है। कोई भी स्वीट्स जब बहुत अच्छे से ठंडी हो जाती है तो उसको काटना बहुत आसान होता है, शेप देना। अगर आपको प्रेजेंटेबल बनाना है तो उसको फ्रीज कर दीजिए। शुगर का ये नेचर होता है कि फ्रीज करते ही वो टाइट हो जाता है, तो अपने साथ अच्छी बाइंडिंग लेकर आता है। तो ये बहुत अच्छे से मैंने प्रेस कर दिया इक्वली। अब मैं इसको, अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट डालिए, लेकिन ये सबसे बेहतर होता है कि अगर इसमें सिल्वर फॉइल अभी ही लगाएं, क्योंकि काटने से पहले ही और फ्रीज करने से पहले सिल्वर फॉइल ऐड करेंगे और उसके बाद इसको फ्रीज कर देंगे, और फ्रीज करके इसको काट के फिर प्लेट में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें आप चिरौंजी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप पिस्ताशियो काट के ऐड कर सकते हैं, आलमंड ऐड कर सकते हैं। ये हर के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसमें को फ्रिज में रखती हूँ, फिर कट करके इसको फिर प्रेजेंट करूँगी। अब मैं इसमें सिल्वर फॉइल लगा रही हूँ। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और फिर से बता रही हूँ कि सिल्वर फॉइल नॉनवेज नहीं होता है। ये पहले नॉनवेज होता था क्योंकि वो लेदर के बैग से बनाया जाता था, उसमें कूटा जाता था, बट अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और इसको बहुत साइंटिफिक रीज़न से और बहुत हाइजीन तरीके से बनाया जाता है। तो आप कोई भी मिठाई बना करके आप उसको वेज मान सकते हैं और हेल्दी भी मान सकते हैं,
क्योंकि बहुत सारे दवाई जो बनती है उसमें सिल्वर भस्म का यूज़ किया जाता है और सिल्वर फॉइल का भी यूज़ किया जाता है जो आप च्यवनप्राश खाते हैं, तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस बार दिवाली में ट्राई कीजिए आप इसको। मैं अभी फ्रिज में रखने जा रही हूँ, 10-20 मिनट्स रखूँगी फ्रिज में, और जब ये फ्रीज हो जाएगा क्योंकि शुगर बाइंड कर देगा इसको, तो उसके बाद मेरे लिए इसको क्यूब्स में काटना बहुत इजी हो जाएगा और बहुत प्रेजेंटेबल कटेगा, ये इकट्ठे बाहर आ जाएगा केक की तरह, तो मैं इसको बहुत अच्छे शेप से काट सकती हूँ और बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो मैं इसको पहले फ्रिज में रख करके आती हूँ। मैंने इसको हाफ एन आवर फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद लेकर आई हूँ। अगर ये आपसे हैंडल ना हो तो आप 1 घंटे भी रख सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा ये ग्रीसी रहेगा क्योंकि इसमें हमने खोया डाला है, तो वो थोड़ा ग्रीसी रहेगा ही क्योंकि उसमें काफ़ी घी होता है। तो अब इसको मैं काट लेती हूँ, पर फिर भी ये शेप में आएगा। अगर आपका शेप में नहीं आता, थोड़ा ढीला होता है, तो आप थोड़ी देर और फ्रिज में इसको रख सकते हैं। तो मैं इसको काट लेती हूँ पीसेस में, ये बराबर की पीस मैंने ये कर लिए। अब इसको मैं सीधा सीधा काट लूँगी, ये मैंने इसको पीसेस में काट लिया है। अब मैं इसको निकाल के प्लेट में लगा सकती हूँ, और आप जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद आता है वो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं इसमें पिस्ता स्प्रेड करूँगी, काफ़ी फाइन पिस्ता, आप चाहे तो कैशू नट या बादाम भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको प्लेट में लगा लेती हूँ।